الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. आज की तरावी में हमने 14वां पारा सुना है जो दो मुकम्मल सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरतुल हिज्र और सूरतुल नहल। बहुत सारे मजामीन हैं इस पारे में। दर्स के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है वो सूरतुल हिज्र की आयत है, और कुरान मजीद के सिलसिले में बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन कुरान को हमने उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में एक बहुत बड़ा वादा किया है, और वो ये है कि कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करेगा। कुरान से पहले जो आसमानी किताबें उतारी गईं, तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहूफ़ इब्राहीम, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन उम्मतों के उलमा को दी गई थी, और उन उम्मतों के उलमा से ये जिम्मेदारी अदा न हो सकी। चुनांचे वो इन आसमानी किताबों को सही शक्ल में महफूज न रख सके। इंजील बदल दी गई, तौरात बदल दी गई, जबूर बदल दी गई। तो कुरान से पहले जो आसमानी किताबें उतारी गईं वो महफूज ना रही सही शक्ल में, इसलिए कि उसकी हिफाजत का जिम्मा उन उम्मतों के उलमा को अल्लाह ने दिया था, और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी की अदायगी में कोताही की, गफलत बरती। अब कुरान को चूंकि कियामत की सुबह तक रहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इस किताब को उतारा हमने और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। देखो 1400 साल हो गए, 1400 साल, बल्कि 1450 साल, 44 में हैं हम, 1450 साल हो गए कुरानी मजीद को नाजिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना कुरान दुनिया में महफूज है, दुनिया में कोई किताब इतनी महफूज नहीं। कैसे अल्लाह ने हिफाजत की? अल्लाह हर दौर और हर जमाने में इसकी हिफाजत के ऐसे असबाब पैदा करता रहा। देखो प्यारे नबी के जमाने में आज की तरह से पेन का रिवाज नहीं था, पेन, पेंसिल, कागज, पेपर, ये सब चीजें नहीं थी। तो उस दौर के हिसाब से क्या हुआ, और ये भी याद रखो पूरे अरब में लिखने वाले पढ़ने वाले बहुत थोड़े थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए अरब को कुरान क्या कहता है, उम्मी कौम कहता है। उम्मी कौम, उम्मी किसे बोलते हैं, अनपढ़। तो अरबों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, पूरे अरब में बहुत थोड़े लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। ऐसे मुआशरे में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की। कैसे हिफाजत की? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान जो भी नाजिल हुआ, जितना नाजिल हुआ, दो तरह से महफूज हुआ। पहले वो सीनों में महफूज हुआ। अरब के लोगों की याददाश्त बहुत मशहूर, बहुत मिसाली याददाश्त ने पूरी दुनिया में अरब कौम का कोई कौम मुकाबला नहीं कर सकती थी। हर चीज बेहद करते थे वो। हाँ, उनके घोड़ों की नस्ल, घोड़े का नाम रखते थे, हर घोड़े का नाम होता था, ऊंट का नाम होता था, उसकी नस्ल को याद रखते थे, ये किसका बेटा, इसका बाप कौन, इसका दादा कौन, उसका परदादा कौन, वो किसके, यानी जानवरों के नस्ब को याद रखती थी ये कौम। बहुत गैर मामूली हाफिजा अरबों का। तो कुरान जो भी नाजिल होता था पहले ये सीनों में महफूज होता था, खुद प्यारे नबी के सीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सीनों में महफूज होता था, और साथ साथ राइटिंग में भी महफूज होता था।
समझ रहे, राइटिंग में भी महफूज होता था। कैसे महफूज होता था राइटिंग में? उस दौर में कोई भी चीज जो लिखी जाती थी ना, या तो चमड़े पे लिखी जाती थी या खजूर के छालों पे लिखी जा, बैठ बैठ खजूर के छालों पे लिखी जाती थी या हड्डियों पे लिखी जाती थी। कुरानी मजीद जो राइटिंग में महफूज हुआ ना, तो इन चीजों पे लिखा गया, खजूर के छालों पे लिखा गया, चमड़ी पे लिखा गया, ऊंट की जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं हड्डियों पे लिखा गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह कुरान राइटिंग में भी आ गया पूरा कुरान, और सीनों में भी रहा पूरा कुरान, लेकिन बुक की शक्ल में जो आजकल है नहीं था प्यारे नबी के जमाने में। ये जो बुक की शक्ल है कुरान की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये शक्ल नहीं थी, समझ रहे, सीनों में था और बाकी चमड़ियों में था, हड्डियों पे लिखा हुआ था और खजूर की छालों पे लिखा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वनु का जमाना आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वनु ने अपने जमाने में ये बुक की शक्ल दी इसको, ये जो आज इसमें कुरान बोलते मुसहफ, ये शक्ल दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वनु ने। चुनांचे उन्होंने एक कमेटी बनाई हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह वनु की कियादत में, और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी कि सारे सहाबा को बुलाकर उन्होंने जो प्यारे नबी से कुरान हिफ्ज किया है, सीनों में महफूज किया है, और जो राइटिंग में लिखा है उसको रखकर पूरा कुरान जमा करो उस तरतीब से जो तरतीब के प्यारे नबी ने बताई है। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इतना मुश्किल काम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे लिए, एक पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह रखने कहते तो मेरे लिए आसान था। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने काम किया और पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अल्लाहु अकबर, हर आयत के लिए कम से कम दो गवाही जरूर, कम से कम दो गवाह जो गवाही दे हमने प्यारे नबी से याद की या लिखी। कहते पूरे कुरान के लिए दो गवाहियां मुकम्मल हुई, सूरह तौबा की आखिरी आयत के लिए दो गवाही मुकम्मल नहीं हुई, एक ही गवाही मिली। لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। ये आयत, इसको एक ही गवाही मिली, लेकिन अल्लाह की शान ये गवाही, एक गवाही उस सहाबी की थी जिस एक सहाबी की गवाही को प्यारे नबी ने दो गवाहियों के बराबर करार दिया था अपनी जिंदगी में। देख रहे हैं अल्लाह की शान, सहाबा में हर एक सहाबी की कोई ना कोई खसूसियत है, उसमें एक सहाबी है हजरत खुजैमा बिन साबित, उनकी खसूसियत यह है प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में कहा था कि खुजैमा बिन साबित किसी मामले में अगर एक गवाही दे दें, उनकी एक गवाही दो गवाहों के बराबर है। तो मुकम्मल हो गई कि नहीं दो गवाही, अल्लाहु अकबर, कैसे जानते हैं वो कब प्यारे नबी ने इनको ये एजाज अता किया था? एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्केट में घोड़ा खरीदा, एक बद्दू था घोड़ा बेचने के लिए आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, घोड़ा अच्छा था, बातचीत मुकम्मल हो गई, कीमत तय हो गई, सौदा मुकम्मल हो गया, ठीक है, अब बस पैसे देना है और घोड़ा लेना उससे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पैसे घर पे हैं, चलो घर पे दूंगा। अब वो अपना घोड़ा लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं, ये वो घोड़ा लेके पीछे पीछे चल रहा है। अब रास्ते में गुजरने वाले लोग जिनको नहीं मालूम कि प्यारे नबी इस घोड़े का सौदा कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, उनको नहीं मालूम, रास्ते उस देहाती को रोकने लगे और घोड़े का मुतालबा करने, हमको बेच दो, हमको बेच दो, हमको बेच दो। उसने देखा कि मेरे घोड़े का बड़ा डिमांड है मार्केट में, तो नीयत बदल गई उसकी, उसने प्यारे नबी को आवाज दी, कहा मोहम्मद रुक जाओ, रुक, कहा जल्दी खरीदना है तो खरीद लो, सौदा करना है तो कर लो, वरना मैं दूसरों को बेच दूंगा। प्यारे नबी ने कहा मैं तो खरीद चुका हूं, सौदा हो चुका है,
वो बोला नहीं नहीं खरीदे आप, सौदा नहीं हुआ है। प्यारे नबी ने कहा अल्लाह के बंदे पूरी बात हो गई, सिर्फ पैसा देना बाकी है, अब सौदा तो मुकम्मल है। उसने कहा कि नहीं नहीं हुआ है सौदा। और फिर चोरी और सीना जोरी देखिए उस बद्दू ने, प्यारे नबी, बद्दू लोग होते हैं ना, बद्दू लोग, वो अखलाक क्या चीज है, अदब क्या चीज है, तहजीब क्या चीज है, सलीका क्या चीज है, नहीं जानते थे, समझ रहे हैं, बदवियाना मिजाज ये। तो प्यारे नबी से कहने लगा अगर आप कहते हैं कि सौदा ये मुकम्मल हो चुका है, दो गवाह लाओ, दो गवाह लाओ, चोरी और सीना जोरी। जब उसने कहा दो गवाह लाओ, ये सारा माजरा हजरत खुजैमा बिन साबित दूर से देख रहे थे। जैसे उसने गवाही की बात की, वो आए सीधे आगे का, अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूं कि आपने घोड़ा खरीदा, मैं गवाही देता हूं। हजरत खुजैमा बिन साबित की गवाही पे वो शख्स खामोश हो गया। बिलाखिर उसे घोड़ा प्यारे नबी को देना पड़ा। प्यारे नबी ने खुजैमा बिन साबित से पूछा, खुजैमा जब मैं मार्केट में घोड़ा खरीदा था तुम वहां नहीं थे, कैसे गवाही दिए फिर तुम? हजरत खुजैमा ने कहा अल्लाह के नबी आसमान से आने वाली वही के सिलसिले में आपको सच्चा समझता हूं, घोड़े के सिलसिले में आप झूठ बोलेंगे क्या? अल्लाहू अकबर। उस दिन प्यारे नबी ने कहा लोगो गवाह रहो, आज से खुजैमा बिन साबित की एक गवाही दो गवाहियों के बराबर होगी। ये पूरे सहाबा में इनकी खसूसियत, हजरत अबू बकर की गवाही भी एक गवाही, हजरत उमर की गवाही भी एक गवाही, सारे सहाबा की गवाही एक गवाही, सिवाय खुजैमा बिन साबित के ये अकेले जिस मामले में गवाही दे दे दो गवाहों के बराबर। और ये चीज कहां काम आई? अल्लाहु अकबर। जमे कुरान के मौके पर जब सूरह तौबा की आखिरियात इनके पास मिली और दो गवाहियों की शर्त पूरी हुई। अल्लाह, तो इस तरह कुरान महफूज रहा। और हजरत तारीख में कुरानी मजीद में रद्दो बदल की, खिलवाड़ की, हज़्फ़ व इज़ाफ़े की बड़ी कोशिशें हुई, कभी कोई कोशिश कामयाब ना हुई। और आज की सुबह तक भी, क़ियामत की सुबह तक हमारा ईमान है कुरान महफूज रहेगा। और देखो अल्लाह का वादा, अल्लाह ने इसकी हिफाजत के असबाब कैसे पैदा किए। आज आप बताओ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बाइबल का कोई हाफिज दिखा सकते हैं आप? कोई पोप, कोई पादरी जो बाइबल को शुरू से आखिर तक बिना देखे पढ़ता हो? नहीं दिखा सकते आप। ईसाइयों, यहूद में, ज्यूस में कोई तौरात का हाफिज दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते आप। एक एक नहीं दिखा सकते आप। दुनिया की किसी मजहबी किताब का किसी कौम के पास एक हाफिज नहीं है। हां चंद आयतें याद रहेंगी, चंद पेज याद रहेंगे, पूरी किताब दुनिया की किसी मजहबी किताब का हाफिज इस जमीन पे पाया नहीं जाता सिवाय कुरान के। और कुरान की बात अगर करें, अल्लाहु अकबर, कितने चाहिए हाफिज आपको? कितने चाहिए? लाखों में चाहिए, करोड़ों में चाहिए? मासूम बच्चों के सीनों में, मासूम बच्चों, बड़े तो छोड़ो, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र के हाफिज इस जमीन पर आपको मिलेंगे जिनके सीनों में पूरा कुरान महफूज है। और ऐसे मासूम बच्चे जो कुरान को ऐसे हिफ्ज कर रखे हैं, अगर आप चैलेंज करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन्नास तक एक गलती के बगैर सुनाओ, तो बिना एक गलती के सुनाने वाले हुफाज आपको मिलेंगे इस जमीन पर, एक गलती के बगैर। और वो भी सुभान अल्लाह, उनकी बात हम नहीं करते, अरबिक जिनकी लैंग्वेज है, अरबी बोलने वाले हिफ्स करें समझ में आता है। ये मासूम बच्चे, अजमी बच्चे जिनको अरबी लैंग्वेज क्या चीज है ना नहीं मालूम, अरबी नहीं जानते, अरबी बोलचाल नहीं समझते, ऐसे बच्चे कुरान को यूं याद करते हैं और इतने अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं कि अल्लाह अकबर, उनकी तिलावत पर अहले अरब अश अश कर जाते हैं। ये अजमी बच्चा, ये नॉन अरबिक बच्चा, और कुरान यूं पढ़ रहा है कि अरब शर्मा जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का वादा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो जो उम्मत अपनी हिफाजत चाहे, जो उम्मत अपनी हिफाजत चाहे, अपने ईमान की, अपने अकीदे की, अपने जानो माल की, उसे चाहिए कि इस कलाम से जुड़ जाए, इस कुरान से जुड़ जाए, इस कुरान की उम्मत हो जाए,
इस कुरान की बरकत से अल्लाह उन सब की हिफाजत करेगा जो इस कुरान के हो जाते हैं, इसके मुहाफिज हो जाते हैं। आप इस किताब की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो जिंदा मोजिजा है कुरान, और कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अजमत वाली किताब का हर तरह से हमें उसके तकद्दस का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए, उसके एहतराम की तौफीक अता फरमाए, और उसके अमली तकाजों को पूरा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।